हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप भी करना चाहते हैं अपने हाथों को एकदम गोरा रातों रात, तो गाइस ऐसे ही मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप रातों रात अपने हाथों को गोरा कर सकते हैं। हाथ और पैर के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आप इनको ज़्यादातर हाथ या पैर पे यूज़ करें। एंड आप जब हाथ धो रहे हो या पैर धो रहे हो, उससे पहले इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, तो आपका जो हाथ पैर है वो रातों रात गोरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये शैम्पू लिया है। शैम्पू का काम यही होता है कि हमारी स्किन को एकदम फेयर करना और जो हमारे हाथ पैर हैं उनको, यानी कि आप जब हैंड वॉश कर रहे हो तो इस रेमेडी को करके आप हैंड वॉश करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बेहतर मिलेगा। हमारी स्किन में जो भी सारी गंदगी होती है वो सारी निकाल देती है शैम्पू। जैसे हमारे बालों को साफ़ करती है, वैसे ही हमारे हाथ पैरों को भी साफ़ करती है। इस तरीके से देख सकते हैं, शैम्पू यहाँ मैंने यूज़ कर लिया है। तो आपको भी, आप भी कोई सा भी यानी कि ब्रांड का ले सकते हैं शैम्पू। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये लिया है तो आप भी यही लें। तो आप भी इस तरीके से ले सकते हैं शैम्पू, और एकदम प्राकृतिक रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी आपकी स्किन को। और गाइस, अगर आप पार्लर जाते हो या कोई वैक्सीन कराते हो या हाथ पैरों पे कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो वो लगाना आप भूल जाएंगे अगर इस तरीके से इस रेमेडी को आपने देख लिया तो। तो मैं आपको किस तरीके से रातों रात आप हाथ पैरों को गोरा कर सकते हैं उसकी रेमेडी मैं आपको पूरी शेयर करूँगी स्टेप बाई स्टेप। तो आप स्किप तो बिल्कुल ना करें। आप अपने हाथ पैर को गोरा कैसे कर सकते हैं, यानी किस टाइम क्या क्या हम लोगों को यूज़ करना है और किस तरीके से हम लोग इस रेमेडी को यूज़ करेंगे, तो देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ शैम्पू डाल दिया है। अगर आप कहीं फेस्टिवल पे जा रहे हो या कोई फंक्शन पे अटेंड कर रहे हो एंड आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस रेमेडी को लगा के जाएंगे तो आपके हाथ और पैर एकदम शाइनिंग मारेंगे, एकदम यानी कि गोरे गोरे से अच्छे लगेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है हल्दी। हल्दी यहाँ मैंने एक चम्मच ली है इस तरीके से। और हल्दी हमारी स्किन की यानी कि ब्यूटी टिप का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर आपने इस तरीके से हल्दी और इसका पेस्ट लगा लिया ना, मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको रातों रात दिखाई दे जाएगा। हाथ पैर एकदम मॉइस्चराइजर हो जाएंगे, आपके हाथ थोड़े थोड़े यानी कि किसी किसी के हाथ होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं काम करने की वजह से। और ठंडे और गर्म पानी में हम लोग कभी कभी हाथ देते हैं तो हमारे जो हाथों की जो हम लोगों की सामने की हाथ है वो एकदम फटने से लग जाते हैं। तो आप ऐसी ही दिक्कतों को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपकी हथेलियाँ फट रही हैं, आपके हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, आपके हाथ काले काले से लग रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, तो आप ऐसे ही सारी समस्याओं को इसको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं इस रेमेडी को किस तरीके से यूज़ करना है, मैं वो आपको बताऊँगी। ये मैंने लिया है नींबू। नींबू क्या काम करता है कि हमारी स्किन को फेयर करने के साथ साथ हमारी स्किन में जो भी डेड सेल है उसको हम ड्रॉप करता है। तो देख सकते हो इस तरीके से नींबू लिया है। नींबू को ज़्यादा नहीं डालना है। अगर मैं इसको आपको की सजेस्ट करूँगी कि अगर आप चेहरे पे इस रेमेडी को लगा रहे हो यानी कि मुंह धुलने से पहले, तो आप स्किप कर सकते हैं नींबू को अगर आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव है। तो अगर आप चेहरे पे लगा रहे हो और सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ इसको स्किप कर देना नींबू को। नींबू की जगह आप गुलाब जल ले सकते हैं। तो मैं हाथों पे लगाऊंगी तो हाथों पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा नींबू। एंड नींबू भी ज़्यादा नहीं डालना है, एक से दो बूंद डालनी है। इस तरीके से नींबू को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो रेमेडी है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसको कभी भी लगा सकते हैं एनी टाइम। एंड आप जब भी इसको मन करे तब भी लगा सकते हैं। और जैसे आप बाहर धूप में से अभी आए हैं और जैसे आप बाहर धूप में जाएंगे तो इससे यानी कि आप हैंड वॉश करके जाएंगे, यानी कि अच्छे से हाथ पैरों को धुल के जाएंगे, यानी कि बिना इस साबुन लगाए इस रेमेडी से आप हाथ पैरों को धुल के जाएंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आप रात को सो रहे हैं उससे पहले भी आप इसको लगा सकते हैं तो भी इसका रिज़ल्ट बहुत प्यारा आएगा। इस तरीके से देख सकते हैं रेमेडी मैंने ट्राई कर लिया, यानी कि तैयार तो कर लिया। अब इसको मैं बताऊँगी किस तरीके से हाथ पे लगाना है। और ये रेमेडी के इतने सारे यूज़फुल है कि आप इसको लगाएंगे तो आप हर दिन इसको लगाना चाहेंगे। तो देख सकते हैं, मैं इसको अपने हाथ पे ट्राई करके दिखाऊंगी आपको कि जो रिज़ल्ट है वो कैसे दिखाई देगा। और मैं आपको पहले वाला हाथ दिखा रही हूँ जो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है, एंड इसके बाद में मैं आपको दिखाऊँगी मेरा हाथ। इस तरीके से इसको लगाना है चारों तरफ हाथ के, जो हाथ की जो गंदगी हमारी, जो हमारे हाथ थोड़े गंदे गंदे से रहते हैं एंड काले से पड़ जाते हैं धूप के अंदर बाहर निकलते हैं तो जो कलर है वो बिल्कुल फेयर नहीं हो पाता है हाथ का। ऐसी ही सारी समस्या हमारे हाथ की और पैरों की ख़त्म हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा हेयर है, अगर आप इसको वीक में
रोज़ लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको रोज़ नहीं लगा सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इसको 3-4 दिन भी लगाओगे तो आपको जो ये एक्स्ट्रा हेयर है जो हाथ या पैर पे, तो आपको वो भी रिमूव हो जाएंगे इजी वे में। आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएगा कि आपके जो हेयर है वो बहुत कम दिखाई देंगे हाथ पैर पे, एंड ना कोई ब्यूटी टिप की ज़रूरत, ना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट की ज़रूरत, और ना कोई वैक्सीन की ज़रूरत, और ना आपको पार्लर में फेशियल कराने की ज़रूरत। आप घर पे ही नेचुरल लुक पा सकते हैं, नेचुरल ग्लो आपकी स्किन अलग ही करेगी। एंड जो हम लोग पार्लर में जाते हैं वो 3-4 दिन के लिए होता है, वो जो हमारी स्किन अच्छे से ब्राइट रहती है, अच्छे से चमकती है। एंड अगर आपने इस तरीके से इस रेमेडी को घर पे बना लिया एंड ट्राई कर लिया 3 से 4 बार, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा दिखाई देगा, बहुत प्यारा दिखाई देगा। आपकी स्किन वो अलग ही ब्राइट करेगी एंड नेचुरल तरीके से आपकी स्किन है वो चमकेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने यहाँ 5 से 10 मिनट रखा था एंड उसके बाद में ठंडे पानी से इसको वॉश कर लिया है। दोनों हाथों में अंतर देख सकते हैं, कौन सा आपको बेटर लग रहा है आप ही कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आप भी इसको ट्राई करेंगे तो आपको रातों रात रिज़ल्ट दिखाई दे जाएगा। एंड आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि हमारी स्किन रातों रात इस तरीके से कैसे बदल गई। और लोग, आप कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाएंगे तो सब लोग आपकी बड़ाई करेंगे एंड आपको ये ब्यूटी टिप्स ज़रूर पूछेंगे। तो गाइस, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये रेमेडी बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल घर की चीज़ है और एकदम नेचुरल, यानी कि हमारी स्किन है वो ग्लोइंग रहती है, एकदम सॉफ्ट रहती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आपको ये रेमेडी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।